देहरादून से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जिससे आपको रूबरू करवा देते हैं, जहां पर आपको बता दें कि स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का मानदेय बढ़ेगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है, आगामी कैबिनेट से प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। साथ ही चिकित्सा सेवाओं को बेहतर करने का प्रयास यहां पर लगातार राज्य सरकार की ओर से किया जा रहा है कि किस प्रकार से चिकित्सा सेवाओं को बेहतर किया जा सके और आम जनता को इसका सीधा लाभ दिया जा सके। और साथ ही जिनके द्वारा ये लाभ दिया जा रहा है, चाहे हम डॉक्टरों की बात करें या कर्मचारियों की बात करें, उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसका ध्यान भी राज्य सरकार की ओर से पूरी तरीके से रखा जा रहा है। और इसी की वजह से अब ये सामने आ रहा है कि स्पेशलिस्ट जो भी डॉक्टर है उनका मानदेय बढ़ जाएगा। सोनू हमारे साथ में जुड़े हुए, सोनू, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का मानदेय बढ़ाने की बात यहां पर कही जा रही है और इसका प्रयास भी किया जा रहा है कि किस प्रकार से चिकित्सा सेवाओं को बेहतर किया जा सके, इसे किस प्रकार से आप देख रहे हैं? देखिए, राज्य सरकार के 4 ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं जो 2 कुमाऊं में हैं और 2 गढ़वाल क्षेत्र में है, श्रीनगर, देहरादून। ये ऐसे एरिया है जो गढ़वाल क्षेत्र में आते हैं, हल्द्वानी और अल्मोड़ा ये कुमाऊं क्षेत्र में आते हैं। तो इन जो मेडिकल कॉलेजेस में जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं वो उतने नहीं है जो कि होने चाहिए मानकों के अनुरूप, और जो ये सुपर स्पेशलिस्ट हैं जो निजी सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस हैं या अस्पताल हैं वहां पर कार्य कर रहे हैं। तो सरकार ये कोशिश कर रही है कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो मेडिकल कॉलेज स्थापित हैं उनमें सुपर स्पेशलिस्ट को बढ़ाया जाए और इनका जो मानदेय अभी तक इनको दिया जा रहा है उसमें बढ़ोतरी की जाए। अगर हम प्रोफेसर की बात कर लें तो अभी तक उनको 4 लाख दिया जा रहा है, 5 लाख किए जाने की बात है, और एसोसिएट अगर प्रोफेसर की आप बात कर लें तो 3 लाख का जो मानदेय उसको 4 लाख किए जाने की का प्रस्ताव तैयार किया गया, और इसी तरीके से अन्य। तो ये कोशिश की जा रही है कि जहां जहां पर चाहे वो सुपर स्पेशलिस्ट जो संकाय हैं उनके कार्डियोलॉजी हो, यूरोलॉजी हो, नेफ्रोलॉजी हो या फिर रेडियोलॉजी के अलावा न्यूरोसर्जन हो, प्लास्टिक सर्जन, तो ये जो एक्सपर्ट्स हैं सुपर स्पेशलिस्ट जो हैं इनका मानदेय बढ़ाया जाए। और चूंकि ये एक शासकीय फैसला होगा लिहाजा इसके लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया है, और जो प्रस्ताव विभाग ने तैयार किया है तो कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी और ये उम्मीद की जा रही है कि कैबिनेट अपनी स्वीकृति इसको प्रदान करेगी और आने वाले समय में जो पर्वतीय क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज है वहां पर भी सुपर स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स हैं वो कार्य करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, तो अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से इस पर आगे भी चर्चा की जाती है और इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई जाती है। मैं लौटूंगी आपके पास में। देखिए, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को मानदेय बढ़ाने की बात यहाँ पर की जा रही है, राज्य सरकार भी इसका प्रयास कर रही है, चिकित्सा शिक्षा विभाग ने ये प्रस्ताव तैयार कर दिया है, आगामी कैबिनेट की जो बैठक होगी इसमें इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी, इसके बाद में इस पर मुहर लगाई जा सकती है।